है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब में सीएम चन्नी बोले, आपके सर्वे में भी सीएम पद के लिए मैं ही पसंदीदा चेहरा। यूपी में ओपी राजभर बोले, चंद्रशेखर को मैं गठबंधन में अपने हिस्से की सीटें देने के लिए तैयार हूँ। 12 से 15 साल के बच्चों का मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन होगा शुरू। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने दूसरी लिस्ट जारी की। सीएम योगी बोले, पेशेवर अपराधियों को अपना उम्मीदवार बनाकर सपा ने अपना वास्तविक चरित्र उजागर किया। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के चारों खाने चित। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने लिया बीजेपी को हराने का अन्य संकल्प। पंजाब में कांग्रेस में फूट, अब कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे ने की बगावत। दो बार के विधायक लव कुमार गोल्डी कांग्रेस छोड़, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी में हुए शामिल। बेघर बच्चों के पुनर्वास पर एससी सख्त, बाल आयोग से 3 हफ्ते के भीतर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। गाजीपुर में एनएसजी ने बताया, आरडीएक्स का बरामद विस्फोटक, 3 किलो की थी मात्रा। पंजाब में चुनाव की तारीख बदली, अब 20 फरवरी को होगा मतदान। उत्तराखंड में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी ज्वाइन करेंगी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई कांग्रेस में हुए शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। यूएई एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक, यमन के हूती विद्रोही ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 258,089 मामले आए सामने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।